छह महीने हो गया बंद दम के दिन तक। डेरे के अंदर साधु की है जो तलवार हूँ धर धर हथियार हूँ जो है निर्मम हत्या कर दी। जल्दी पहुंचो, पुलिस बार नंग आगे खड़ी है। बाकी ये तो कहता है कि मैं परेशान करा है। आज मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी देह नहीं चाहती। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी। फ्लीकी एजुकेशन के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। सगला दर्शकों ने राम राम। मैं थारोबेली आशु थे देख ला रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज आप ये टाइम मौजूद हाँ संगरिया और विधानसभा को तहसील को एक गांव है बाखरा वाली अठह। और अठह धन बता दें का भी दो दिन पहला एक जो साधु है डेरे के अंदर साधु की है जो तलवार हूँ धर धर हथियार हूँ जो है निर्मम हत्या कर दी गई साधु की। बठे ही भी मौके की आप जगह पर अब खड़े हाँ जड़े जी डेरे के अंदर साधु की महाराज की हत्या करी गई। साधु को नाम अमृतक, साधु को नाम चेतन दास जी महाराज। लगभग बे डेरे के अंदर 30 सालों है अठे ई डेरे के अंदर बेवास करता है और ई डेरे के अंदर ही रहता है। जो गांव का लोग है बांगो कहनो है कि लगभग 52 चाकू बे साधु महाराज के मारेड़ी है। ओ ही वो कमरों है पीछे देख लग रहे होते और इला पास साधु महाराज है। सुबह के टाइम अठे मृत अवस्था के अंदर पड़े है। जी टाइम मन संभाले गए भी टाइम बे पूरा पूरा डेड हो चुका है। अपा ई डेरे के अंदर मौजूद हाँ। डेरे के अंदर साधु महाराज का जो जो और ज़्यादा परिजन है जो भक्त है जो डेरे के अंदर जो श्रद्धालु आवा है वे भी अड़े बैठे। आप अंग सागा बात करांगा, सारा का सारा अड़े बैठे हैं। अंग सागा आप जानांगा और जो घटना है पूरी हत्या की जो वारदात को टाइम है एक बार हम जानने की कोशिश करांगा। मेरा नाम जसवंत गिरीमा अच्छा मतलब थारू आश्रम गांव के माने। और बे जो महाराज हा संत गिरी जी बे अठे ही रहता है। अकेला ही रहता है। अकेला ही रहता है। वो थोड़ा बताओगे विस्तारू हत्या कद हुई क्यों हुई और हत्या करनी कुण हो मारनी क्यों क्यों मारे हो की वजह मारे हो और कद पतो लागे कद घटना पतो लागे करनी है। तो मैंने केट आया भी सामने जी लोकेशन फोन की काटी है ना 8:45 फोन बंद हुए है। 8:30 बाई शांति एक गंगानगर है हाँ बैठी इंग सागे वो बात करी 8:30। अच्छा महाराज के हाँ अबांगी भतीजी है तो भी बाद में फिर वो फोन जी को डेड हो गयो। अच्छा बंद हो गयो। हाँ बंद हो गयो। अच्छा मतलब मारनी हो पहला फोन बंद करियो बांगा। हाँ और मारियो क्या से मारी तो तलवार को निशान बतावा है। पर मैं यहाँ सुने मतलब 52 जगह कट मारे सही बात है। बे चाकू वगैरह है छोटे तलवार के सागे सागे चाकू भी मारे अलग चाकू है वो। अच्छा चाकू पेट पेट पर लग गया है। एक दो निशान इन पासा पर भी है जो गैर होगा वो खड़ा होगा दादा गलो ही काटेड हो। और मारनी कौन है बिंगो पतो को नहीं गाँव को छोरो बतावा गाँव को ही है पकड़ियो जी को भी मैं जानू को नहीं बिना। कितना जना एक जनो पकड़े है अभी तक थाने के लगे और भी लोग है कि मौजूद भाई इन्हें सामने जिका गाँव वाला है नहीं भाई बतावा मोटरसाइकिल जब स्टार्ट हो गए हो ना बे टाइम यहाँ मोटरसाइकिल ही गली टपियो तो वहाँ कह भी 3 जना मोटरसाइकिल मतलब हत्यारो एक कोनी हो बे 3 जना बह कह मे अच्छा मतलब थे कौन को देखने प्रत्येक दर्शिया बतावा हत्यारो एक कोनी हो 3। हाँ 3 बतावा। और बांग आत्मा हथियार भी आ गए बा कौन बताया तो मतलब बे गया हथियार अड़े छोड़ के गया या आपके सागे ही ले गया कोई ने घेर दिया। अच्छा भी कोई अंदर कोई गमो निकली तो कोई मुँह तलवार निकली है। हाँ एक फोन निकली है। अच्छा एक मोबाइल भी निकली है। हाँ पुलिस लेगी क्या हाँ, ले गया नहीं, पुलिस जांच के अंदर है जो आरोपी मतलब ये चीज खुलासो करी हो भैया कह के साधु संत मतलब कोई कालो जादू करता जी बजाऊं वो छोरो आने मारे इसी कोई बात है कि सच्चाई है कि है तो ये लगावा है आरोप लगावा है। जब साधु संत को काम है नियम है जब कोई दुखी सुखी आ गयो तो बिना कोई विभूति दे दी कोई फूंक मार दी तो भी वो तो करना ही है क्योंकि भजन करे राम को नाम लेवे। जे संत के ना आयडे ने जे किनी फायदो ने आयो तो फिर संत को फायदो की होयो। हाँ कोई जादू टोना वाली बात को नहीं मतलब ये तरीका हूँ एक मेहनत की है जो साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। हाँ। सरकार के मांग करागा थे मतलब साधुओं की सुरक्षा खातर सरकार मांग आई है भी साधुओं के बारे में जी अब वो छोरो कोई पकड़ी गयो एक है या 3 है तो बने कड़ी सजा मिलनी चाहिए और आगे वास्ते भी कोई सरकार है जिसको साधुओं का ध्यान करना चाहिए। अपना जो बराबर में आंटी जी बैठी है जो मृतक साधु है बांगी भतीजी है आप अंगसा का बात करांगा आऊं जानांगा के नाम माता जी थारा मेरो शांति शर्मा है जी। मैं पंजाब का बागू मेरो पीर है गंगानगर मेरो सासुर है। माने कद बेरो पड़े बांगी हत्या होगी माने दिन गए पड़े 6 बजे माने दिन गए 6 बजे पतो लाग्यो भी ये कर गए और कहे दोरो पड़ गयो और कहे थे जल्दी पहुंचो फिर बाद का मैं थोड़ी सी देर बाद का मैं कह के दोरो को नहीं पड़ो कोई बाढ़ गयो फिर मैं बैठू तुरंत दबा दबाजन की कोशिश करी भी मैं जल्दी में जल्दी चालन की कोशिश करी तो वे अठा आ गया तो गांव में आई बात करी भी थे जल्दी पहुंचो पुलिस बार नंग आगे खड़ी है और थार भी ना आज तक कोई प्रूफ मिलन को लाग रहे हो और थे जल्दी पहुंचो मैं जल्दी पहुंचा
मारा आए बाद में अठे कार्रवाई चालू कर दी। फिर कार्रवाई चालू कर दी, कार्रवाई चालू कर आगे देख गए अठे सारी मीटिंग है, पुलिस वाला भी आ रहा और शैडी वाला भी आ रहा, सारा वहाँ जांच करी है, वहाँ जांच कर गए और फिर मैंने आई बात कही भी कोई बात नहीं, घबराने की बात कौन है, थाने मिल जाएगा प्रूफ, मिल जाएगा तो भी आपकी सजा मिलेगी। अब मैं सजा तो बने वे मिल गया, वे मिल तो भी टेम ही गया, दूसरे दिन दाग लगा गया अभी टेम ही मिल गया, पर माने बतायो काल है, काल बतायो नहीं बताने के बारे में माने ठाओ भी वे मिल तो गया बट आज तक माने सजा को नहीं हुई पूरी, टिका के सजाऊ सजा होनी चाहिए, माने भी काल ने आज गौ हत्या कर दी तो काल ने ऐसा साधु संत सके और भी कर सके। थे कितना टाइम आ रहे हो? मैं वैसे 5-6 सालों से आ रहा हूँ, वैसे मेरे नाना जी थे, मतलब ये तरीका निर्मम हत्या कर दी गई, तो नाना जी को मतलब पहला थाना कदे बताए को नहीं हो गया मैंने वो आदमी आ बात कर, मैंने इसे खतरो है या कोई तरीके की कोई बात करी होगी? नहीं इस तरीके की तो कोई बात कौन करी, बाकी ये तो कहता है मैं परेशान करा है। आ बात कहता पहला परेशान करे, कितना जना परेशान करे बताए? नहीं या कौन बताए, मैंने क्यों भी हो बा तो मैं लेन भी आओ 17 तारीख को। अच्छा मैंने कहता हुआ बात हो जाएगी के को थे 6 महीने हो गया वहां तो धमकियां देने नहीं। अच्छा मतलब 6 महीना से धमकियां देवा लग रहा है? हाँ धमकी दी है आदमी। अच्छा पर वहाँ नाम कौन बतायो भी मेरो ओ नाम है ना वहाँ महाराज जी बतायो भी मेरे भी बंदा को नाम है, छोरा धमकियां बहुत दिन दी है बन माने परिवार में भी के, पर नाम कौन बतायो भी छोरा को महाराज नाम कौन बताया? हाँ नाम कौन बताया कि कोई 6-7 दिन पहला मैं लेने खातर मैं आई अठे मिलने, फिर मन का मन ले चाल बारिश होने ला रही जदिया कब तो बारिश होवे, तो बारिश होने के बाद में मन तू छोरे ने भेज के मंगा ली, मैं 1 महीने तेरे कर रह गयाऊंगी, मन गई नठू 9-10 दिन ही होया भी बाद में फिर वो समाचार मिलेगी। ये कहता भी मन बैठा नहीं, एक जनो है वो मन धमकियां दी हुए मारन काटन की धमकियां देन, तो देखिए पुलिस ने मतलब सूचना कौन दी या पुलिस कन गया कौन बे यहाँ कवे भी गांव को मसलो है मेरी साधु महात्मा की बदनामी हो जाएगी ये करके वांडरता कौन के। मेरा नाम रवि शंकर है जी। रवि जी यहाँ बताओ पहले महाराज की रिश्तेदारी में लगता है? हाँ मेरे नाना जी थे खटक रहना रहो, मैं गंगानगर को रहने वाला हूँ। नहीं तो रवि जी थे यहाँ बताओ कदे मतलब इस तरीके थाने पहला कदे अंदेशो को नहीं हो, मतलब छोरा धमकियां भी दी पहला नाना जी थाने बतायो भी हो कि भाई यहाँ करके आ बात है? नाना जी मैंने कई बार बतायो भी छोरा ने समझा दे भी वो मन धमकियां दे के जावे, फिर मैं भी छोरा ने समझाया भी हो भी भाई जी ने भी कहो भी बाप ने भी कही भी थे सारे लड़का ने समझाओ भी महाराज जी धमकी ना देवे, लेकिन भाभी बात की कोई गौर कौन करी, अरे एप्लीकेशन में ही खातर कौन लगाई भी गांव को मामलो है गांव की बेइज्जती हुए और गांव का जी सुबह शाम बंग भगत आया करता तो बंग आगे महाराज जी कदी जिक्रो कौन करियो, कोई एक आधे भगत का आगे जिक्रो करियो तो वो बोलियो कौन। जिस दिन हत्याकांड हो तो मैं सुबह पहुंचा तो बेटे मानता ही मैं बता दियो बने ऐसा ही ने जी वो ही आदमी है बिना पकड़ो जठे भी है भी नाम बता दियो फोन नंबर दे दिया तो भी मैंने थोड़ो सहायता मिल गई भी नाम में शक के आधार पर भी वो नाम लियो भी कोई और भी हो सके वो ना हो यही फंस जावे बेचारा। हाँ बिल्कुल कोई और भी हो सके तो थे छानबीन करो तो भी वहाँ पुलिस अधीक्षक अफसर है वहाँ अच्छी सहायता करी। हाँ हथियार बीकानेर हूँ डोग ले गया आया तो सुंगा सांगी करी तो भी हथियार जिको मिलिया बे कोई गंदर मिलिया मतलब डोग है बे सुंगना डोग भी बढ़ तक चल गया है। हाँ आठ सूंगे रे बढ़ते ही गया तो बा हथियार मिल गया बाद में वो मुजरिम पकड़े हो गए बाद में बन बताया मोबाइल भी कोई गंदर है। अच्छा मतलब गांव में भी दिन ही पकड़ ली होगी मुलजिम ने? नहीं मुलजिम तो अगले दिन पकड़े गए। शिवतनंद सिंह राजपूत रोहड़ा से हूँ जी और गुरु जी का शिष्य बना हुआ हूँ 15-20 साल से, ये जन्म उन्होंने दिया मेरे को। जादू क्या करते थे मेरे को जिंदगी दी हुई है उन्होंने, अपनी उम्र काट के 21 साल की और आज मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनकी देन है ये छाती। वो करते थे तो पर उपकार करते थे, किसी का भी जो दर्द है या किसी का भी कोई दुख है वो उसको दूर करते थे और खुद भुगत लेते, ऐसे विचार के थे, नेक विचार के थे, शुद्ध विचार के थे। क्या मांग करते हो पुलिस से? हम तो रिक्वेस्ट यही करते हैं हाथ जोड़ के भाई जो भी है जो जैसा ये कांड हुआ है ऐसा आगे भविष्य में ना हो, किसी के साथ भी ना हो। आप देख लग रहे होते आ ही बाकू ही है, डॉग स्क्वाड की टीम आया बाद के अंदर एक कोई ना ऊपर जो पुलिस है खुलवायो पहला इं को नहीं ही इन्हें खुलवायो, खुलवाया बाद के अंदर और एक अंदर हूँ फिर चौड़ो करवा के रास्तों और अंदर एक आधे जना ने बाढ़ के है और देख ला रहे इला पास एक हुक्को भी लागे वो एंगल लोगो और एक अंदर वो बंदा ने अंदर बाड़े अंदर बाड़े बाद के अंदर है जो तलवार है वह एक अंदर हथियार है जो दरदार हथियार जिसे हत्या करेगी साधु महाराज की वो हथियार एक अंदर बरामद करेगी। अब हम दिखाऊंगा मौके की लोकेशन आ जो जगह है अठे ही जो महाराज है साधु महाराज अठे ही मृत अवस्था के अंदर पड़ा है और अब भी जो खून है जो देख ला रहे होते अजय भी दिख ला रहे भी हैं तो दोया दाई कर दी लेकिन जो खून है महाराज को
बहुत अजे भी अड़ा देख ला रहे हो थे सारो को सारो लाल पड़े है। सुबह के टाइम महाराजा जसवंत जी अठा ही मतलब इला बस वागू सिर हो आगे इन गानी पैर हा ये तरीके भी अड़ा मृत अवस्था के अंदर पड़िया हा। तो देख लाग रहे हो वो डेरो है बारह की साइड जो आरोपी है डॉग स्क्वाड की टीम के थ्रू है जो पुलिस है एक ने राउंड अप कर भी लिए है। साधु महाराज का जो भक्त है और रिश्तेदार है बांगो कहना है कि एक छोरो है जो इतनी जो निर्मम हत्या ने है वो अंजाम को नहीं दे सके। प्रत्यक्ष दर्शियों को भी कहना है कि डेरा के बारे में मरे बाद में तीन छोरा है जो मोटरसाइकिल के ऊपर निकले है जबकि पुलिस है एक ने राउंड अप करियो है और अभी दो का भी खुलासा है होगा। और एक साधु महाराज जो दिन में 24 घंटा हुआ तो 24 का 24 घंटा भगवान को नाम लेवा और लोगों ने भी प्रेरित कराया कि भाई थे भगवान की भक्ति करो ये रास्ते पर चलो गलत काम ना करो सही काम करो। भी साधु महाराज की ई तरीके निर्मम हत्या होना खड़े ने खड़े कानून व्यवस्था है भी ने एक चैलेंज करना सी बात है। हत्यारा का जो हौसला है भाई इतना ज़्यादा बुलंद हो चुका है कि भाई साधु महाराज है जो साधु संत भी ने भी कौन बक्से हो। वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारे भी गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चला लाग रहा है माने नंबर पर फोन करो मैसेज करो मैं बड़ा जरूर पहुँचाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंत में माने दो इजाजत मिला थारे सागर नई वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।